दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कुछ कमी ना हो। कमी हर व्यक्ति के जीवन में लगी रहती है, लेकिन उन्हीं में से बहुत से कमी लोग ऐसे हैं जो अपनी कमियों को दूर कर पाते हैं। पहचानते तो सभी को है कि हमारी क्या कमी है, हमारी क्या इच्छा है, लेकिन पहचानने के बावजूद भी हम अपनी कमियों को, अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम में से ही कुछ वैसे लोग भी है जो कुछ भी वे लोग चाहते हैं उन्हें मिल जाता है। ये परिस्थितियाँ सिर्फ हमारे साथ ही नहीं है, बल्कि आपके साथ भी हो सकती है, आपके पड़ोसी के साथ भी हो सकती है। आखिर वो कौन सी गलती है जो आप कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, और उन्हीं गलतियों की वजह से हम अपने जीवन में उस कमी को पूरा नहीं कर पाते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। जो कुछ भी हम चाहते हैं वह पूरा नहीं होता है, वह हमें नहीं मिलता, हमारी इच्छाएं अधूरा ही रह जाती है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे एक मॉन्क ने अपनी हर एक इच्छा को पूरी कर लेता है। वास्तव में उस मॉन्क ने कुछ प्राचीन विधियां अपनाई है जिसकी मदद से ये पूरा ब्रह्मांड उनकी हर एक इच्छा को पूरा करता है। यानी कि अगर ये विधि को हम भी सीख ले तो ये पूरा ब्रह्मांड हमारी भी इच्छाओं को पूरा करेगा। हमारी जितने भी कमियां हैं उन कमियों को पूरा ब्रह्मांड पूरा करेगा, ये पूरा ब्रह्मांड हमारा साथ देगा। बस इस विधि को आपको ठीक से सीखना है और अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर समझे, और उससे पहले आप इस कहानी में ना खो जाए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा ले। यह विधि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कई हजार साल पुरानी और बेहद गुप्त है। पुराने समय में इस विधि को बड़े बड़े मॉन्क और ऋषि मुनियों ने प्रयोग किया था, और शायद इसी वजह से वे लोग जो कुछ भी चाहते थे, जो कुछ भी बोलते थे, जो कुछ भी सोचते थे, वे सभी कुछ सही हो जाता था। आपने प्राचीन ग्रंथों में ये पढ़ा होगा कि प्राचीन समय के ऋषि मुनि जो भी अपने मुंह से किसी को श्राप दे देते थे उनकी बात सत्य हो जाती थी। इसके पीछे एक रहस्य है, एक कारण है, क्योंकि उनकी इच्छाओं को ये ब्रह्मांड पूरा कर रहा है। लेकिन आज के आधुनिक जीवन में, आधुनिक दुनिया में, इस भागदौड़ भरी जीवन में हम इन प्राचीन विधि को समझ ही नहीं पाते हैं और इसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। शायद हमारे पास वक्त नहीं है। और हाँ, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये वास्तव में काम करता है, और आज के कुछ ज्ञानी लोग भी इस विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये विधि की शुरुआत तकरीबन शुरुआती 40 के दशक की है। एक मॉन्क जो काफी बुजुर्ग थे, उनका नाम इश्रीम था, और वह इस दुनिया के नॉर्थन हिस्से में एक बियाबान जंगल में रहा करते थे। बात किया जाए इस जंगल की तो ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, और उस समय खेती ही एकमात्र ऐसा जरिया था जिससे मनुष्य को भोजन मिल सके। दुर्भाग्यवश उस समय सबसे खतरनाक सूखा पड़ा था। वह सूखा कई दिनों तक चला, सभी फसल समाप्त हो चुके थे, लोगों को कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन एक सौभाग्य वाली बात यह थी कि गांव के उन्हीं लोगों में से एक आदमी उस मॉन्क का मित्र था, और उनका मित्र उस मॉन्क को तलाश करते करते उनके पास पहुंचा। मॉन्क जंगलों के बीच पहाड़ों की कंदरा में रहा करते थे। रास्ते में चलते चलते ठीक उनका मित्र उनके पास पहुंचे, और उन्होंने मॉन्क को सारी बात बताई और कहने लगा कि ऐसा सूखा आज तक नहीं पड़ा था, अब ऐसा लगता है कि उस जगह पर कोई नहीं बचेगा, अब तुम ही बचा सकते हो, कुछ उपाय करो। मुझे बिल्कुल पता है कि तुम ऐसी विधि को जानते हो जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सकती है और गांव में बारिश हो सकती है, क्योंकि उस गांव में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी और इसी वजह से वहां सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। वास्तव में अगर देखा जाए तो उनका मित्र बहुत ही उदास था। फिर उनके मित्र ने दोबारा से कहा कि मुझे निराश मत करना, क्योंकि मैं अब यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। अगर तुमने हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो मैं यहीं मर जाऊंगा, क्योंकि पूरे गांव वाले को मुझ पर बहुत ही भरोसा है, पूरे गांव वाले मुझ पर निर्भर है और मैं तुम पर निर्भर हूँ। अपने मित्र की ये बातें सुनकर वह मॉन्क सोच में पड़ गया, और थोड़ी देर बाद मॉन्क ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। और मॉन्क उठे और वहां से कुछ दूर जाकर खड़े हो गए और कहा, मैं अभी तुमसे कुछ थोड़ी दूर जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे नहीं आना, तुम यहीं पर खड़े रहो। कुछ दूर जाने के बाद वह मॉन्क हाथ जोड़कर कुछ करने लगा। उनके मित्र को यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने क्या किया। कुछ देर बाद वह वापिस आया और अपने मित्र से बोले कि जाओ, अब बारिश हो जाएगी। मॉन्क की ये बातें सुनकर उनका मित्र बहुत ही आश्चर्य हुए। वे सोच रहे थे कि आखिर मेरा मित्र वहां पर कर क्या रहा था। फिर उनसे रहा नहीं गया, आखिरकार उन्होंने मॉन्क से पूछ ही दिया कि जरा से बताओ कि तुमने वहां पर जाकर किया क्या, क्या तुम हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। ये बातें सुनकर मॉन्क ने कहा, नहीं, अगर मैं प्रार्थना करता तो शायद बारिश नहीं होती, क्योंकि जब हम इस ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं या कुछ पाने के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम जाने अनजाने में इस ब्रह्मांड को ये दिखाते हैं कि हमारे पास उस चीज की कमी है, हमें उसकी आवश्यकता है। हम उस कमी को दर्शाते हैं और उस कमी से जुड़ी हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा इस ब्रह्मांड तक जाती है, और ब्रह्मांड को ये लगता है कि हमारे पास नकारात्मक ऊर्जा है, और आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार ये ब्रह्मांड
नकारात्मक ऊर्जा के बदले हमें नकारात्मक ऊर्जा ही देती है और कहीं ना कहीं हम उस कमी वाली स्थिति को और मजबूत बना देते हैं जिसे हम बदलना चाहते हैं। मॉन्क फिर बोले कि एक गुप्त विधि है और यह बहुत ही मूल्यवान है। मुझे इस विधि को जानने में बहुत परिश्रम करना पड़ा, बहुत चीजों का सामना करना पड़ा, अपने विचारों को बदलना पड़ा। मैं इसे किसी को नहीं बताता हूँ और मैं तुम्हें इसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर बारिश होने में कुछ समय लगा तो तुम इस विधि को और कर सको। क्योंकि अगर वास्तव में देखा जाए तो मैं बहुत ही बूढ़ा हो रहा हूँ, हो सके तो मेरा शरीर साथ ना दे, इसलिए इस विधि को तुम सीख लो और इस विधि को सीख कर तुम इस्तेमाल भी कर पाओगे। अब बात यह है कि ये विधि 100% काम करती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस विधि को बार बार करना पड़ता है। फिर उसके मित्र बोले, ठीक है जल्दी बताओ। मॉन्क बोले, मैं इसे तुम्हें बताता हूँ, लेकिन जिस दिन तुमने इसका गलत प्रयोग किया उस दिन के बाद यह विधि काम नहीं करेगी, इसलिए इस विधि को ध्यान से सुनो। जब मैं तुमसे थोड़ी दूर गया तो वहाँ पर जाने के बाद मैंने कोई प्रार्थना नहीं की, बारिश होने के लिए मैंने कोई निवेदन नहीं किया, कोई आग्रह नहीं किया, बस मैंने उस पल को, उस दिन को, उस चीज को महसूस किया, उस समय को महसूस किया कि बारिश हो रही है और मैं उस वक्त कैसा महसूस कर रहा हूँ। मॉन्क की अजीब बातें उनके मित्र को समझ में नहीं आया। उनके मित्र ने फिर कहा कि जरा ठीक से बताओ, तुमने ऐसा क्या किया। मॉन्क बोले, मैं नंगे पैर खड़े होकर अपने हाथों को जोड़कर और आंखें बंद करके मैंने अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को और अपने देवताओं को दिल से पुकारा और उनसे कहा कि मुझे आपका साथ चाहिए। और उसी वक्त मैंने अपनी आंखों को बंद किया और देखा कि मेरे गांव में बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं कीचड़ में खड़ा हूँ और मैं भीगी मिट्टी की खुशबू का आनंद ले रहा हूँ, वो भीनी मिट्टी जो प्रायः बारिश में होती है। मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं बारिश में बहुत ही भीग रहा हूँ, हरे भरे खेतों को देख रहा हूँ और सभी लोग झूम झूम कर बारिश में नाच रहे हैं। मैंने पानी की उन बूंदों को अपने ऊपर गिरते हुए महसूस किया और जब मैं ऐसा महसूस कर रहा था उस वक्त मेरी भावनाओं के साथ मेरी आंखें भर आई और वो आंसू खुशी के आंसू थे। और इसके बाद मैंने अपनी खुशियों के लिए इस पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद किया जो हो चुकी थी। मॉन्क फिर अपने मित्र से दोबारा कहते हैं, एक बात का ध्यान रहे, जब तुम इस प्रयोग को करो उस वक्त तुम्हें नकारात्मक नहीं सोचना है। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है कि बारिश शायद नहीं भी हो सकती है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा सोचा तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा नकारात्मक हो जाएगी और यही नकारात्मक ऊर्जा इस ब्रह्मांड में जाकर नकारात्मक चीजें ही घटित करेगी, इसीलिए तुम्हें नकारात्मक नहीं सोचना है। मैंने इस पूरे प्रयोग में इस पूरे ब्रह्मांड को सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी व्यतीत किया, तुम्हें भी बस इसी तरह करना है। मॉन्क की इन बातों को उनके मित्र बिल्कुल समझ चुके थे। फिर वे अपने मित्र को धन्यवाद करते हुए वहां से अपने गांव को चल दिए और जैसे ही वह गांव पहुंचा ठीक वैसा ही हुआ जैसा उस मॉन्क ने बताया था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, सब कुछ अच्छा हो चुका था, हर तरफ मिट्टी की भीनी खुशबू फैली हुई थी। यह सब कुछ देखकर मॉन्क के दोस्त ने वहीं पर खड़े होकर अपने पूर्वजों को और मॉन्क को धन्यवाद किया। मित्रों, जिस प्रकार मॉन्क ने उस समय किया वही आज भी लोग कर रहे हैं, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, हिंदी में अगर बोला जाए तो आकर्षण का नियम कहते हैं, और उसी पर लॉ ऑफ यूनिवर्स लागू होती है। जिस प्रकार मॉन्क ने बताया कि मैंने उस चीज को महसूस किया, उस पल को महसूस किया, आज के साइंटिस्ट और ज्ञानी लोग इसे इमेजिनेशन कहते हैं। आज के ज्ञानी लोग कहते हैं कि इमेजिन करो, जो आप बनना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो उसको रियलिटी में इमेजिन करो कि मैं उस तरह का हूँ, मैं वैसे सिचुएशंस में जी रहा हूँ। उसके बाद जिस तरह मॉन्क ने इस ब्रह्मांड को धन्यवाद किया, इसी चीज को आज के ज्ञानी लोग ग्रेटिट्यूड कहते हैं, यानी कि अपने जीवन में इमेजिनेशन करने के बाद ग्रेटिट्यूड की टेक्निक का इस्तेमाल करना है आपको। सभी सक्सेसफुल लोग इसे करते हैं, उन्होंने ब्रह्मांड को ग्रेटिट्यूड किया, धन्यवाद किया उस चीज को लेकर जो उनके पास है, भले ही वास्तव में उनके पास वो चीज नहीं है, लेकिन उन्होंने इस ब्रह्मांड को ये दिखाया कि मेरे पास वो चीज पहले से ही है, उसके लिए मैं आपको ग्रेटिट्यूड, आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। मॉन्क ने उस चीज को इमेजिन किया जो उसके पास नहीं है, लेकिन उन्होंने इमेजिनेशन में ब्रह्मांड को ये दिखाया कि यह मेरे पास है और इस चीज को लेकर ब्रह्मांड को धन्यवाद व्यक्त किया, यानी कि ग्रेटिट्यूड किया। जब आप भी इमेजिनेशन करते हो फिर ग्रेटिट्यूड की टेक्निक का इस्तेमाल करते हो तो इस ब्रह्मांड को ये लगता है कि आपके पास वो चीज है, आपको और देनी चाहिए। और लॉ ऑफ यूनिवर्स के अनुसार जैसी वाइब्रेशंस आप इस ब्रह्मांड को भेजेंगे, जैसे एनर्जी आप इस ब्रह्मांड को भेजेंगे, सेम उतनी ही एनर्जी ब्रह्मांड भी आपको भेजेगी। आपने ब्रह्मांड को अपने अबंडेंस को दिखाया, अपनी प्रचुरता को दिखाया, तो ब्रह्मांड भी आपको वही चीज देंगे। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और लॉ ऑफ यूनिवर्स के अनुसार ब्रह्मांड लगातार हमारे जीवन में काम करता रहता है। बस ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ब्रह्मांड से किस तरह का काम लेते हैं। यानी कि लॉ ऑफ यूनिवर्स सभी के जीवन में लागू है, लेकिन ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह ब्रह्मांड से अपने लिए किस तरह से काम लेता है। जिस प्रकार मॉन्क ने किया था, उन्होंने बारिश को महसूस किया
उन्होंने उस स्थिति को महसूस किया और कुछ दिनों के बाद ठीक उसी प्रकार का हुआ। वहाँ बारिश हुई, गांव में वैसी ही परिस्थिति बन गई। इसलिए इस जीवन में अगर कुछ पाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो इमेजिनेशन का उपयोग करें, फिर ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करें, फिर आप देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रभाव आप अपने जीवन में देख पा रहे हैं। आप जो कुछ भी चाह रहे हैं वह आपको मिल रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हमारे भीतर जैसे वाइब्रेशंस रहते हैं, जैसे एनर्जी रहती है, हम वैसे ही वाइब्रेशंस और वैसे ही एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। चाहे वो आकर्षण लोगों से हो या वो आकर्षण ब्रह्मांड से हो, हम लगातार एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन अब ये हम पर निर्भर करता है कि जब हम आकर्षित कर रहे हैं उस वक्त हमारे भीतर की ऊर्जा कैसी है। जब आप खुशी महसूस करेंगे, कृतज्ञता महसूस करेंगे, तब आपके भीतर की एनर्जी, आपकी भीतर की ऊर्जा उस वक्त सकारात्मक होगी। आप हाई एनर्जी में जीवन व्यतीत करेंगे। उस वक्त आप जिसको भी आकर्षित करेंगे वह चीज उसी तरह की ऊर्जा वाली होगी। इसलिए आज से ही अपने जीवन में कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड की टेक्निक को अपनाइए। ग्रेटिट्यूड कीजिए, थैंक यू कीजिए, धन्यवाद दीजिए इस ब्रह्मांड को, उन लोगों को जो आपसे जुड़ा हुआ है। फिर आप देखेंगे कि आपके भीतर खुशियों का अबंडेंस होगा, आपके भीतर खुशियों की प्रचुरता होगी। आप हमेशा खुश रहेंगे और आप जो भी सोचेंगे, जो भी चाहेंगे वह आपको मिलता जाएगा। आपकी हर इच्छा पूरी होगी। बस आप एक बार अपने जीवन में इस विधि को अपना कर देखिए। मित्रों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या पता आपका एक कमेंट किसी का जीवन बदल दे। और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आसानी से पा सके। धन्यवाद।